अगर हम अपने बलूचिस्तान की बात करें तो आप यकीन करो, मैं अल्फन आपको एक बात कहने जा रहा हूं कि मुझे एक बंदे ने एक वीडियो सेंड किया। जब मैं वीडियो देख रहा था, वो बलूचिस्तान मेडिकल ये बोला मेडिकल कॉलेज के तुलबा और तालिबात की गिरफ्तारी का मंजर था, तो मेरे साथ एक 7 साल बच्चा बैठा हुआ था। खुदा की कसम मैं सच बोल रहा हूँ, उसे पूछा कि क्या ये इंडिया के मुसलमान हैं? अब मैं उस बच्चे को क्या जवाब दूं कि ये मेरे मुस्तकबिल के मेहमान है, ये मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा है और ये मेरे शहर में मुझसे 10 किलोमीटर दूर बैठे मेरे मुअज्जिज़ मुकद्दस हैवान के रस्म और रिवाज के अलम बरदारों के मुअज्जिज़ अराकीन असेंबली के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। मैं अपने हुक्मरानों से कहता हूं कि तुमसे एक कॉलेज नहीं संभाला जा सकता है, तुमसे चंद तलबा मुलाजमीन के मुतालबात संभाले नहीं जा सकते हैं। हमने तुम्हारे हाथ में पूरे बलूचिस्तान का बागडोर दिया हुआ है। जब हम हमारे हुक्मरान एक जायज मुतालबात को, तलबा के एक जलसे को, एक एहतजाजी मुजाहरे को कश्मीर और फलस्तीन का मंजर बनाते हो, तो ये अल्लाह ताला की जानिब से अजाब है और ये सबसे बड़ी नाकामी है हमारे लिए। मेरे हुक्मरान, जब हमारे बलूचिस्तान आज के इस दौर में, मेरे लोग हमारे अवाम पत्थर के जमानों में रहते हैं, हमारे हुक्मरान हमें पीने का पानी नहीं दे सकते हैं, तो ये स्कूल कॉलेज अस्पताल साथ देंगे हमें? ये इनकी बस की बात नहीं है, ये नायल है। ये इतने दुनिया के इस शान और शौकत और ये करप्शन की दुनिया में इतने डूब चुके हैं, इनकी बस की बात नहीं है बलूचिस्तान को बनाना। मेरे बलूचिस्तान में इतनी करप्शन है कि मैं गुजारिश करता हूं खुदारा मेरे बलूचिस्तान के करप्शन को दीगर सूबों की तरह कम कराया जाए। जितनी करप्शन पंजाब में होती है, जितनी करप्शन केपी में होती है, बलूचिस्तान भी